जो भी छात्र एवं छात्राएं बिहार बोर्ड से 2025 में मैट्रिक या फिर इंटरमीडिएट का फाइनल एग्जाम देंगे उन तमाम छात्रों का जो है डमी पंजीयन वो जारी कर दिया गया है वेबसाइट पे। तो ऐसे में जो भी छात्र एवं छात्राएं होंगे अपने स्कूल व कॉलेज जाकर डमी पंजीयन ले सकते हैं या फिर इंटरनेट से आप इस वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंटरमीडिएट का लिंक है यहाँ पे और ये मैट्रिक का है। दोनों लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट अपने स्कूल और कॉलेज जाकर डमी पंजीयन ले सकते हैं। जब आप डमी पंजीयन लेंगे तो उसमें आप क्या जानकारी चेक करेंगे, तो जो भी विद्यार्थी का नाम का स्पेलिंग होगा, माता पिता का नाम का स्पेलिंग होगा, उसको आप ध्यान से चेकआउट करेंगे कहीं पर कुछ गलती तो नहीं है। अगर गलती है तो उसे कैसे सुधार करवाएंगे आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो पहले आप चेक कर लीजिए, चाहे आप मैट्रिक के छात्र हैं या फिर इंटरमीडिएट के, तो आपको चेक क्या करना है, अपना नाम, माता पिता का नाम, जेंडर चेक करेंगे, राष्ट्रीयता चेक करेंगे, संकाय अगर आप इंटरमीडिएट के छात्र हैं तो अपना संकाय चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाति कोटि यहाँ पे चेक करेंगे, धर्म चेक करेंगे, जन्मतिथि आपका सही है या फिर गलत है, वैवाहिक स्थिति चेक करेंगे और जो सब्जेक्ट आपने लिया था वही सारे सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है। तो ये सारी जानकारी, इसके अलावा आप फोटो भी चेक करेंगे, आपका फोटो लगा है या दूसरा का फोटो लग गया, ये सभी जानकारी को आप चेक कर लेंगे। अगर मान लीजिए कुछ गलती हो गया है तो उसे आप सुधार कैसे करवाएंगे, तो जैसे कि यहाँ पर इसने की डेट ऑफ बर्थ में गलती है, ठीक है, यहाँ पे 00 है, उसके बाद यहाँ पर इसने ईरन देवी है जबकि यहाँ पे किरण देवी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये गलती हो गया तो इसे कैसे सुधार करवाएंगे, तो मान लीजिए अगर आप स्कूल और कॉलेज से एक प्रति लाए होंगे डमी पंजीयन, तो उसका आप फोटोकॉपी करवा लेंगे, फोटोकॉपी करवाने के बाद आपका दो प्रति हो जाएगा या फिर इंटरनेट से निकालोगे तो आपका उसको दो फोटोकॉपी करवा लेंगे। फोटोकॉपी करवाने के बाद आप क्या करेंगे, फोटोकॉपी में इस तरीके से यहाँ पे काट देंगे, जैसे कि माता के नाम में गलती थी मैंने यहाँ पे काट दिया और यहाँ पे माता का नाम जो सही था वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। डेट ऑफ बर्थ में गलती था, डेट ऑफ बर्थ मैंने काट दिया, डेट ऑफ बर्थ जो सही था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरीके से जो गलती है उसको आपको काट देना है और जो सही है उसको यहाँ पे बगल में लिख देना है। अगर फोटो में गलती है तो फोटो को यहाँ पे काट दीजिए और फोटो यहाँ पे पिनअप कर दीजिए पिंचर से, ठीक है। इस तरीके से आप जो गलती है उसको काट दीजिए और सही जो है वो बगल में लिखिए। उसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे तो जो भी विद्यार्थी है वहाँ पे हस्ताक्षर कर देंगे और जो भी विद्यार्थी के माता पिता हैं किन्हीं एक का यहाँ पे हस्ताक्षर करवा देंगे। हस्ताक्षर कराने के बाद इसको क्या करेंगे, अपने प्रिंसिपल का सर को जमा कर देंगे। जमा करने के बाद बोलेंगे मुझे यहाँ यहाँ गलती है, आप सुधार कर दीजिए। तो वो क्या करेंगे, 30 तारीख के बाद आपको यहाँ पे डेट दिया गया, मैं आपको दिखाता हूँ वो डेट भी, ठीक है, तब आप ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ से नीचे आते हैं, डेट यहाँ पे देख लीजिए, 10/7/2024 को यहाँ पे जारी हुआ है और 30/7/2024 तक ये सुधार होगा, ठीक है, मैट्रिक या फिर इंटरमीडिएट दोनों का। तो आप यथाशीघ्र इससे पहले सुधार करवाने के लिए दे दीजिए। उसके बाद 30 तारीख के बाद आप दोबारा डमी पंजीयन आपका जारी होगा, सेकेंड डमी पंजीयन, तो उसमें आप चेक करेंगे तो आपका सुधार हो जाएगा। और मान लीजिए आप जो है जो विद्यार्थी हैं वो 1 साल 2 साल बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो कैसे सुधार करवाएंगे, उसके लिए आप YouTube पे आएंगे, यहाँ पे आपको सर्च बार मिलता है, इस पर क्लिक करने और बोलने वाले ऑप्शन पे यहाँ पे टैप करेंगे और बोलना क्या है वो देखिए यहाँ पे, बिहार बोर्ड मार्कशीट सुधार कैसे करें, इस तरीके से बोलेंगे। यहाँ से आप नीचे आएंगे तो मेरा एक न्यू वीडियो है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे और चलते हैं, ठीक है, अभी तो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, 4 महीने पहले का ये वीडियो है, इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। अगर आप मान लीजिए 2 साल 1 साल बाद अपने पंजीयन में सुधार करवाना चाहते हैं तो कैसे सुधार करवाएंगे, क्या प्रक्रिया है, आपको इस वीडियो में बताया गया, तो इस वीडियो को देख लीजिए। हालांकि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद जो डमी पंजीयन डाउनलोड करने का यहाँ पे लिंक था मैं आपको दिखाता हूँ, फिर से यहाँ से नीचे आते हैं, ठीक है, ऊपर ही रह गया, ठीक है, तो यहाँ से ऊपर आते हैं तो यहाँ पर इससे ये इंटरमीडिएट का है और ये मैट्रिक का है, तो ये दोनों भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर अपने स्कूल और कॉलेज जाकर डमी पंजीयन ले आइए और उसमें क्या गलती है उसको चेक कीजिए और गलती है सुधार करवा लीजिए। मैंने आपको सुधार करवाना भी बता दिया कैसे आपको सुधार करवाना। वीडियो अगर आपको पसंद आए हो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर भी वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट्स कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन और प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे से जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ उसकी जो नोटिफिकेशन वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो फिर से मिलते हैं किसी और दिन किसी और बड़े वीडियो के साथ।